सर्व जाती धर्माला जोडण्याचे काम कुणी करत असेल तर फक्त या देशात बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी प्रमोद रैना यांचे प्रतिपादन. आम्ही आपल्याला सांगू इच्छितो की आज कामगार भवन अशोकनगर धुळे येथे बहुजन समाज पार्टीची समीक्षा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. महापुरुषांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून बैठकीला सुरुवात करण्यात आली. मंचावर उपस्थित बहुजन समाज पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुरेश साकरे, बहुजन समाज पार्टीचे प्रदेश प्रभारी प्रमोद रैना, तसेच बहुजन समाज पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी संदीप ताजने व रवींद्र गवई, आनंद सैंदाने, अनिल दामोदर, योगेश शिशी, प्रथम प्रमुख मान्यवरांचे खान्देश विभागाकडून स्वागत करण्यात आले. सदर बैठकीला जळगाव नंदुरबार धुळे येथील प्रमुख पदाधिकारी तसेच कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ब्युरो रिपोर्ट. की या समीक्षा बैठकीला संबोधित करताना महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी प्रमोद रैना म्हणाले, मतलब था कि हम सब लोग संगठित होकर संगठन बनाए. बार बार हम लोग ये कहते हैं कि हमें संगठन बनाना है, और परंतु बाबा साहब की भी यही बात थी, उनकी जो विचारधारा थी कि हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं जो पूरे देश में बिखरे हुए, पूरे देश में जो बिखरे हुए हमारे एससी एसटी ओबीसी भाई, अल्पसंख्यक समाज का मुस्लिम ईसाई बौद्ध भाई, जो मैं जैन भाई, ये सभी बहुजन समाज के लोग हैं, एक ही परिवार है. ये तो दूषित मानता के लोगों ने हम लोगों को गठबंधन के आधार पर 6,000-7,000 बेकार जातियों बांटने का काम किया. लेकिन इस देश के अंदर अगर कोई देश में जोड़ने का काम एक जाति और धर्मों के नाम पर जोड़ने का काम कर रहा है तो वह एक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी. और उनकी मुखिया आदरणीय बहन वाली मैम. तो सम्मानित साथियों, परंतु बाबा साहब की जो विचारधारा थी कि भाई शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये तीन बातें थी महत्वपूर्ण बातें. इनमें पूरी जीवन का सारांश है, बहुजनों का जीवन का पूरा सारांश है. अच्छी बात है कि हम लोग शिक्षित हो गए, बहुत अच्छी बात है हम लोग शिक्षित हो गए हैं. लेकिन दो बातें और थी कि संगठित रहो. संगठित का मतलब ये नहीं था कि हम एक समाज के लोग इकट्ठे हो जाए, बहुत समाज के लोग इकट्ठे हो जाए, उससे सरकार आने वाली नहीं है. हम एक समाज से पटाखे नहीं बना पाए जब तक हम लोग संगठित होकर, संगठित का मतलब संगठन बनाना, लिखा पढ़ी का संगठन बनाना. एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समाज के हमारे भाई, मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन, ये सभी लोग इकट्ठे होकर एक संगठन बनाए, संगठित हो जाए, लिखा पढ़ी में संगठन होना चाहिए. हमारे भाइयों जब बार बार कहते हैं कि भाई हम संगठन बनाएंगे, उत्तर प्रदेश के लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वहां जो चाचा वाला सरकार आई है उसका एक ही कारण है वह है संगठन. और संगठन में वहां सभी लोगों को सम्मानित किया, सभी लोगों को सम्मान देने का काम किया, भाईचारा बनाने का काम किया, सभी जाति धर्मों को भाईचारा बनाने का काम किया उत्तर प्रदेश में. तब वहां चाचा वाला सरकार आई. तो महत्वपूर्ण घटना है ये संगठन की. संगठन के बिना हम लोग कुछ नहीं कर पाए. तो मेरा जितने भी मंच पर साथी बैठे हुए हैं सभी लोग जाकर मेहनत करें, सभी भाइयों को जोड़े, बूथों पर जाए, जाति वाला आंकड़ा बताए, जो समाज का बारह कौन का भाई कहता है, और एस टी का भाई कहता है तो एस टी का भाई मिलेंगे हमें जोड़ने के लिए. अगर हमारा ओबीसी का भाई कहता है किसी बूथ पर, मान लो किसी विधानसभा में 20 बूथ है हमारे ओबीसी भाई के लिए, तो उन बूथों पर ओबीसी के भाई भेजेंगे जोड़ने के लिए, वो काम चलेगा. यही काम है आप लोगों का. कई हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं तो हमारे जैसे मुस्लिम भाई प्रधान नेता बैठे उनको भी जो ये काम है संगठन बनाने का, मेहनत करने का काम है. सम्मानित साथियों, हम लोग हमें बहुत गर्व होता है कि हमने महाराष्ट्र में जन्म लिया, क्योंकि महाराष्ट्र में इस विचारधारा का जन्म हुआ है. ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए. हम लोगों को समझना चाहिए महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये यहाँ पर इनका जन्म हुआ है. ये विचारधारा पूरे देश में फैली हुई है, और पूरे देश में क्या पूरे विश्व में फैली हुई है. पूरे विश्व में विचारधारा फैली हुई है. आपको मैं बता दूं, पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा इसके मूर्ति है तो परंतु बाबा साहब के अंदर गिरना प्रसाद की मूर्ति सबसे ज्यादा.
तीसरी बात संघर्ष कर, संघर्ष का मतलब ये कथन नहीं है कि गोली चलाओ, लाठी डंडे चलाओ, किसी को अपमान करो, ये कथन नहीं है। परंतु बाबा साहब ने आपको इतने अधिकार दिलवा दिए, या कभी उन्होंने कोई झगड़ा किया, या कभी किसी को मारा, या आप समाज की जिंदगी रुचि रहे हैं यार, अच्छे कपड़े पहनकर अच्छी कुर्सी में बैठे हुए हैं, परंतु बाबा साहब ने कर्म के द्वारा आप लोगों को पत्ता दिलवा दिए। तो हम लोगों को सोचना समझना चाहिए, संघर्ष का मतलब जिस दिन वोट पड़े उस दिन हमारे ऐसी ऐसी ओबीसी भाई, अल्पसंख्यक के भाई सब इकट्ठे होकर एक जगह होकर, तो कोई माई का नाम नहीं कि मोदी समाज पार्टी की सरकार भारत देश में ना पाए। और आपको एक बता दूं, परंतु बाबा साहब जो एक बात कहते थे कि जब तक इस देश में आपका एक पार्टी, एक नेता, एक झंडा नहीं होगा, तब तक आप सरकार नहीं आने वाली। लेकिन वो दिन अब करीब आ गया, परंतु बाबा साहब का सपना जो प्रधानमंत्री बनाने का था वो पूरा होने वाला है इस देश के अंदर, वो करीब सपना आ गया। आप लोगों का सहयोग चाहिए। आपको बता दूं कि पूरे भारत देश में तीन राष्ट्रीय पार्टियां बनी, तीन राष्ट्रीय पार्टियां, दो पार्टियों का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो तीसरी पार्टी है उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। और जो नेता है वो नेता है आदरणीय फैक्सवाली मानी, जो राष्ट्रीय नेता है आपने देखा होगा, चाहे उन्नत मान हो, चाहे रोहित कोंगोला का कांड हो, चाहे गुजरात का कांड हो, चाहे मुस्लिम भाइयों को हुआ हो, कोई भी हुआ हो, जो समाज में जो भी अन्याय हुआ हो, सबसे पहले आवाज उठाने का काम आदरणीय फैक्सवाली मानी जी ने। ऐसा कोई नेता होगा जो अपनी कुर्सी को लात मारते हमारे लिए, बहुजनों के लिए, भाई के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी कुर्सी को लात मारी और उन्होंने कहा मैं दोबारा आऊंगी और अपने अपने सांसद विधायक के द्वारा मैं द्वारा पूरे पूर्ण बहुमत से यहाँ आने का काम करूँ, जिसके द्वारा कहा आप बोल रहे। तो सम्मान साथियों, पूरे देश में, पूरे देश में आज आरणी बहुमान बाबू जी का डंडा बढ़ चुका है, पूरे देश के लोगों ने उन्होंने नेता मान लिया, पूरे देश ने क्या विश्व के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, मैं आपको बता दूँ विश्व की बहुत बड़ी पत्रिका है फोर्ब्स, उस पत्रिका में आरणी बहुमान बाबू जी का नाम 58 नंबर पर है, 58 नंबर पर। और वो पत्रिका क्या कहती है, वो पत्रिका कहती है कि आधुनिक भारत में अगर भारत देश को कोई चला सकता है, शासन सत्ता चला सकता है, अधिकारियों को अपने कब्जे में रख सकता है और कानून के द्वारा कानून का राज आधुनिक भारत में दे सकता है, तो वह नाम है आदरणीय फैक्सवाली मानी। पूरा विश्व का मानना है और उन्होंने सिद्ध भी किया है, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चार बार सरकार चलाकर शासन चलाकर उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि देश के अंदर बहुजन समाज के लोग भी शासन कर सकते हैं। तो सम्मानित साथियों, पूरे जो विपक्ष के नेता हैं, मैं आपको बता दूं, पूरे विपक्ष आपने देखा होगा कि जब कर्नाटक में जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो विपक्ष के नेता किस तरह से उनको पीछे बैठा था, आदरणीय सोनिया गांधी जी किस तरह से उनसे निपट रही थी जैसे कि बहुत पुरानी बहने हो। और विपक्ष के जितने भी नेता है, मैं अगर उत्तर प्रदेश से हूँ तो आदरणीय अखिलेश यादव जी से पूछा कि आप किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने भी कहा कि अगर देश में शासन सत्ता में चला सकता है तो वह नाम है आदरणीय फैक्सवाली मानी। पूरा देश उनको नेता मानता है, जहाँ तक हमारी संधि हो चुकी है, हरियाणा में हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में हो चुकी है, कर्नाटक में हो चुकी है, छत्तीसगढ़ में हो चुकी है, छत्तीसगढ़ के जो भी जी हैं उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से आदरणीय फैक्सवाली मानी काम कीजिए, अच्छे मंत्री कीजिए, दो सेक्टर बनाइए, एक सेक्टर बनाइए, लेकिन ईमानदारी से बनाइए।